टू श्वेता स्पेशल फूड और मैं हूँ श्वेता। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी है, 1 कप मावा है, 1 कप बेसन, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, कुटी हुई इलायची थोड़ा और 1/2 कप पानी लिया है। यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद साथ में ही इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। इसे हमें 5 मिनट तक ऐसे ही हाई फ्लेम पे पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का, साथ में कुटी हुई इलायची, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ऐसे इसको मिक्स करेंगे। और बेसन डालने के बाद हम इसे लगातार चलाएंगे ताकि इसमें जो लम्स है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है और लगातार चला के ऐसे ही हमें इसे मिक्स करना है। और ये देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है इसमें। तो अब हम इसमें डालेंगे मावा। मावा को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और वापस से लगातार चलाते हुए इसे हमें भूनना है। ये देखिए मावा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे हमें ऐसे ही चलाते हुए भूनना है। और ये देखिए लगभग ये पक के तैयार है। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे हम ऐसे ही 5 मिनट तक और लगातार चलाएंगे गैस ऑफ करने के बाद भी। और यहाँ पे प्लेट में मैंने घी लगा लिया है तो उसमें इसे हम निकाल लेंगे और एक कटोरी में घी लगा के उसके उल्टे साइड पे उससे हम इसे अच्छे से प्रेस करके फैलाएंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म रहता है और ये जल्दी ठंडा होने लगता है। तो अच्छे से फैलाने के बाद थोड़ा सा कटे हुए बादाम से इसे हम गार्निश करेंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसे हमें पूरा ठंडा करके नहीं कट करना है, जब ये हल्का सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे काट लिया था। और ये देखिए ये बर्फी हमारी तैयार है और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये आप देख सकते हैं, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।